नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, क्या आप भी अपना फोटो Google फोटोज पे अपलोड करके रखते हैं? दोस्तों, क्या आप अपना Google फोटोज से अपने फोटो को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं? दोस्तों, आप अपने फोटो को अगर Google फोटोज से परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आप कम्प्लीट वॉच कीजिएगा। दोस्तों, Google फोटोज से अपने फोटो को परमानेंटली डिलीट करने के लिए ओपन करते हैं फोटोज ऐप को, और फोटोज ऐप ओपन हो जाने के बाद यहाँ से हम कोई फोटो को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इस डिलीट वाला आइकॉन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमारी फोटो परमानेंटली डिलीट नहीं होती है। फिलहाल हम इस फोटो के यहाँ से हम डिलीट करते हैं और इसके बाद हम क्लिक करते हैं मूव टू बिन। तो दोस्तों, इस तरह से हम इस फोटो को अगर डिलीट कर देते हैं तो ये हमारी फोटो यहाँ से परमानेंटली डिलीट नहीं होती है और ये एक बिन नाम की फोल्डर में जाके सेव हो जाती है। तो इस फोटो को परमानेंटली डिलीट करने के लिए, उस बिन नाम की फोल्डर से भी डिलीट करने के लिए, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं लाइब्रेरी पे, और लाइब्रेरी पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है बिन का, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों देखिए, ये फोटो जो अभी अभी हम डिलीट किए हैं ये फोटो यहाँ पे आके सेव हो चुके हैं इस बिन वाला फोल्डर में। दोस्तों, अगर यहाँ से इस फोटो को हम 60 दिन के अंदर अंदर डिलीट नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आइटम विल परमानेंटली डिलीट आफ्टर 60 डेज। तो यहाँ से इसे डिलीट करने के लिए इस फोटो पे हम लॉन्ग प्रेस करते हैं और इसके बाद अगर इस फोटो को आप फिर से रीस्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, मगर आपको परमानेंटली डिलीट करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा डिलीट, और इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है परमानेंटली डिलीट का, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ से ये फोटो आपकी परमानेंटली डिलीट हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी और आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आते रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।